पतियों की लंबी उम्र के लिए जान ले। मंगलसूत्र पहनने के 5 नियम। भूल से भी ना पहने मंगलसूत्र को गलत तरीके से पति पर पड़ते हैं, इसके बुरे प्रभाव या फिर हो सकती है पति की अकाल मृत्यु। तो चलिए जानते हैं मंगलसूत्र पहनने के महत्वपूर्ण नियम। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है फिर से हमारे धार्मिक चैनल। प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म में विवाहित स्त्रियों को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष अनेकों रस्मों का पालन कहते हैं, जिनका उद्देश्य पति और पत्नी की दीर्घायु के साथ विवाहित जोड़े को भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। पति की दीर्घायु के लिए विवाह के समय स्त्रियों को मंगलसूत्र पहनाया जाता है। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र सुहाग और प्रेम का प्रतीक होता है। विवाह के समय महिलाओं को मात्र सोने का मंगलसूत्र ही पहनाया जाता है, जो बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाता है। स्त्रियों के लिए मंगलसूत्र गहनों में सबसे अमूल्य और सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है। मंगलसूत्र माँ पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक होता है, जो शादीशुदा जोड़े और उनके परिवार को बुरे परिणामों और आपदाओं से सुरक्षित रखता है। लेकिन आधुनिक समय में अनेकों स्त्रियां मंगलसूत्र को मात्र जेवरात मानकर उन्हें पहनती नहीं है, या उन्हें मंगलसूत्र पहनने का सलीका नहीं होता है। जो स्त्रियां मंगलसूत्र को गलत तरीके से पहनती है, उनके पति पर हमेशा आपदा आती रहती है। ऐसी स्त्रियों के परिवार सर्वदा कठिनाइयों और दुखों से घिरे हुए होते हैं। जो स्त्रियां मंगलसूत्र को गलत तरीके से पहनती है, उनके घर माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। ऐसी स्त्रियों का परिवार सर्वदा निर्धनता, दरिद्रता और क्लेश के वातावरण में ही जीवन व्यतीत करता है। हमारे पुराणों में स्त्रियों को मंगलसूत्र पहनने के तरीके और मंगलसूत्र के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मित्रों को चलिए जानते हैं स्त्रियों को मंगलसूत्र किस प्रकार पहनना चाहिए और क्या हैं उनके नियम। किंतु आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अधिक धार्मिक जानकारी आप तक लाएं। मित्रों, सबसे पहला नियम है, एक विवाहित या स्त्री को दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। जो स्त्रियां दूसरी स्त्रियों का मंगलसूत्र पहनती है, उनके वैवाहिक संबंधों में तनाव आ जाता है। ऐसे स्त्रियों के पति सर्वदा आर्थिक हानि से ग्रसित रहते हैं। दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र इस्तेमाल करना विपदा का कारक होता है। साथ ही कभी भूल कर भी कुंवारी कन्या को मंगलसूत्र न पहना दे, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। दूसरा नियम, हमारे धर्म शास्त्र और पुराण कहते हैं कि एक विवाहित स्त्री को कभी भी अपना मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए। ऐसा करने से उसके पति पर विपदा के बादल गिर जाते हैं। अगर मंगलसूत्र टूट जाए या किसी कारणवश खोलना पड़े, तब स्त्रियों को उस मंगलसूत्र की जगह गले में काला धागा डाल देना चाहिए, जिससे उनके पति पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव बना रहता है। बृहस्पति ग्रह पुरुषों के लिए आपदा और विपदा नाशक होता है। तीसरा नियम, मित्रों, मंगलसूत्र का नियम ये भी कहता है कि स्त्री को कभी भी सोने के अलावा किसी दूसरे धातु का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। सोने के अलावा दूसरे धातु का मंगलसूत्र विवाहित जीवन में तनाव और अशांति उत्पन्न करता है। सोना धातुओं में सबसे शुभ फल देने वाला और रोग नाशक होता है। जो स्त्रियां सोने के अलावा दूसरे धातु से बने मंगलसूत्र पहनती हैं, वे स्त्रियां अपने पति को अल्पायु की ओर ले जाती हैं। आजकल स्त्रियां बेंटेक्स की ज्वेलरी पहनने लगी है, किंतु हमेशा याद रहें कि मंगलसूत्र केवल सोने से बना ही पहने। चौथे नियम के अनुसार स्त्रियों को कभी भी टूटा हुआ मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। टूटा हुआ मंगलसूत्र पहनने से घर में आर्थिक तंगी और बीमारियों का वास होने लगता है। टूटा हुआ मंगलसूत्र विवाहित जीवन में अशुभ फल देने के अलावा पति के अल्पायु होने का भी कारक होता है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार टूटा हुआ मंगलसूत्र पति के अकाल मृत्यु को भी निमंत्रण देता है। पांचवा नियम, मित्रों, पुराणों के अनुसार मंगलसूत्र में हमेशा काले मोतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। काले मोती भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक होते हैं। काले मोती विवाहित जीवन को शुभ फल देने के साथ ही वैवाहिक जीवन में आने वाली विपदाओं और समस्याओं को भी हर लेते हैं। काले मोती पहनने से विवाहित जीवन पर कभी भी बुरी नजर नहीं लगती है, साथ ही पति पर आने वाली समस्याओं का नाश भी करते हैं।
पति की लंबी उम्र चाहने वाली स्त्रियों को हमेशा काले मोती से बने सोने के मंगलसूत्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर एक विवाहित स्त्री को अपने पैर में पायल और बिछिया हमेशा पहनने चाहिए, इसके की लाभ मिलते हैं और यह केवल चांदी के धातु के बने पहने। मित्रों, स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख शांति और संपदा के विकास के लिए मंगलसूत्र के इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।